सुकमा पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा सुकमा जिले में जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत दिनांक 22 तारीख को सुकमा पुलिस को ये सूचना मिली कि जो कुंटा एरिया कमेटी द्वारा कोराजगुड़ा मैलासुर वाले जो जंगल है उस इलाके में प्रिंटिंग मशीन व अन्य उपकरणों द्वारा नकली नोट की छपाई की जा रही है। उसी सूचना के आधारित 50 बीएन सीआरपीएफ, जिला पुलिस बल सुकमा, डीआरजी बस्तर फाइटर, इनके द्वारा इस एरिया में ऑपरेशंस लॉन्च किया गया और वहां से काफी भारी मात्रा में जो नकली नोट्स थे, उसके अलावा कलर प्रिंटिंग, उसके अलावा जो इंक की जो बॉटल थे, लगभग 200 बॉटल वहां से बरामद की गई। और वो पूरा सामान देखने के बाद ये पता चला कि नक्सली काफी मात्रा में वहाँ नकली नोट की छपाई कर रहे थे। इसकी और जांच कराई गई, उसके बाद ये समझ में आया कि जो वेस्ट बस्तर वाला जो इलाका है, 2022 में हर एरिया कमेटी से एक दो लोगों को वहाँ प्रशिक्षण दिया गया है 6 महीने का। और इस पूरे वारदात के बाद ये समझ में आता है कि नक्सली काफ़ी संख्या में जो नकली नोट से उस तक का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जो नक्सल अभियान चल रहे है उसकी वजह से जो फंडिंग है उस पर जो प्रेशर क्रिएट हुआ है उसका एक सॉल्यूशन, इसलिए उन्होंने नकली नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो गांव के भोले भाले लोग हैं उनको फंसाया जा रहा है, जो मार्केट है साप्ताहिक बाजार से फेरी वाले हैं, और अंदरूनी गांव के जो आदिवासी है उनको फंसा के जाके अपना जो रास्ता है वो नक्सली तैयार करना चाहते हैं। और एक लार्जर प्लान की तरफ जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका भी नुकसान इसी माध्यम से नक्सली करना चाहते हैं। काफ़ी विगत सालों से जो अंदरूनी क्षेत्र में जो कैंप्स खुले हुए हैं उसके अलावा पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसकी वजह से जो प्रेशर बना हुआ है उसकी वजह से उनकी जो फंडिंग है उस पर रोक लग रही है। और हम देख रहे हैं कि उसी के लिए जो नकली नोट्स वगैरह है उसका प्रिंटिंग वगैरह करना, इस प्रकार से काम नक्सल संगठन ने करना चालू कर दिया है। हेलो टेंथ एग्जामिनर्स, आपण मैंने एमसी एक स्कूल खोजुचार कि जोटी इंटीग्रेटेड कोचिंग पारे तेज टीएससी गुरुकुल जोग दिंतु जहाँ एकाडेमिक लर्निंग पार्टनर फिजिक्स वाला सहित अनुमोदित। कॉल 9438782020।